सूचना तकनीकी का वीडियो नंबर 6 फॉर यूपी प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट प्रेस के लिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट का आविष्कार हुआ था। इंटरनेट का आविष्कार 1986 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। टेलीफोन का आविष्कार किया था, किसने किया था टेलीफोन का आविष्कार? ग्राहम बेल ने, ठीक है। काफ़ी लोग जानते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने, एंड इंटरनेट का आविष्कार 1986 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस से कितने भाग होते हैं? ईमेल एड्रेस में जो ईमेल एड्रेस दिया जाता है उसमें कितने भाग होते हैं? होते हैं दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेसिंग का कार्य जिस डिवाइस में होता है उसे क्या कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, जिसको क्या कहते हैं? सीपीयू, जिसमें प्रोसेसिंग का कार्य जिस डिवाइस में होता है उसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबेकस का आविष्कार हुआ था। अबेकस का आविष्कार हुआ था चीन में, ठीक है। सीपीयू प्रोसेसिंग यानी कि सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कभी कभी इसका फुल नेम भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो फुल नेम को पे भी कुछ पॉइंट पे वीडियोस बनेगी अभी आगे, है ना। तो यहाँ पे जो है अभी चल रहा है हमारा सूचना तकनीकी में, ईमेल एड्रेस में प्रयुक्त होता है। ईमेल एड्रेस में प्रयुक्त सिंबल क्या होता है, ठीक है। अगर सिंबल पूछ लिया जाए तो सिंबल होता है @gmail.com, है ना। ईमेल में क्या होता है? रेट ऑफ, इसको लिखा जाता है इस तरह से, ये, ठीक है। ये सिंबल होता है ईमेल एड्रेस में, ईमेल एड्रेस में प्रयुक्त सिंबल होता है, इसको रेट बोला जाता है, @rateof, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी डॉट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सी डॉट की स्थापना की गई थी 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संचार निगम लिमिटेड कहाँ, भारत संचार निगम लिमिटेड ने दिल्ली और मुंबई को छोड़कर पूरे देश में संचार सेवाएं उपलब्ध कराता है? भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL दिल्ली और मुंबई को छोड़कर पूरे देश में संचार सेवाएं उपलब्ध कराता है। दिल्ली और मुंबई में MTNL यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड सेवा उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो देखिएगा पूरे देश में कराता है, पर दो बड़े शहर मुख्य दिल्ली और मुंबई में BSNL की सर्विस नहीं होती, वहाँ पर होता MTNL, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? टेलीफोन का आविष्कार हुआ था 1976 में, टेलीफोन का आविष्कार 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर का विकास किसने किया था? मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर यानी कि यांत्रिकीय अंकीय गणना यंत्र का आविष्कार किया था ब्लेज पास्कल ने, ठीक है। यांत्रिकीय अंकीय गणना यंत्र का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर के बारे में तो हो ही चुका है, कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ ये तो सब आ ही चुका है। सिलिकॉन चिप जिसको कि कंप्यूटर में प्रयोग किया जा रहा है, किस पदार्थ के बने होते हैं? सिलिकॉन चिप किस पदार्थ की मेनली बनी होती है? वो होती है जर्मेनियम की गैलियम आर्सेनाइड की, तांबा की, सामान्य मिट्टी की।
यहाँ पे आंसर आएगा सामान्य मिट्टी की सिलिकेन चिप्स, जिसको कि कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। सिलिकेन चिप जनरली सिलिकॉन धातु, जो एक अर्धचालक होता है सिलिकॉन, उसकी बनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में, तो सामान्य मिट्टी दिया गया है। सामान्य मिट्टी यानी सिलिकेन से ही संबंधित है। ठीक है, सिलिकॉन सिलिकॉन से ही बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर तकनीकी में स्टेट ऑफ द आर्ट वाक्य का क्या अर्थ है? स्टेट ऑफ द आर्ट क्या होता है? स्टेट ऑफ द आर्ट होता है सबसे अच्छा। स्टेट ऑफ द आर्ट का अर्थ होता है सबसे अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म दिखाने के बाद आवश्यक सोपान क्या होता है? फिल्म दिखाने के बाद आवश्यक सोपान उसका विवेचन होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क प्रसार क्षेत्र के आधार पर कितने भागों में विभक्त है? नेटवर्क प्रसार क्षेत्र के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? जब विभक्त है तो वो बांटा गया है तीन भागों में। नेटवर्क प्रसार क्षेत्र के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडाइस्कोप यंत्र का क्या काम है? एपिडाइस्कोप यंत्र का काम होता है लघु चित्र को वृद्ध करना। लघु चित्र यानी कि छोटे चित्र को बड़ा बनाना एपिडाइस्कोप यंत्र का प्रमुख कार्य है।